रामपुर में सपा नेता और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने मोदी का नाम न लेते हुए कहा कि वह रावण का पुतला दहन करने लखनऊ गए, लेकिन वह भूल गए कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में रहता है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वह अमीरों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान आजम खान ने विकास कार्यों को जारी रखने को लेकर अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। 30 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उसके जलने की जरूरत, जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं। मोदी जी, आपने उस दिन जय श्री राम का नारा लगवाया, अच्छी बात नहीं की आपने, इसलिए कि आप अकेले एक धर्म के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, आप सिखों के भी हैं, आप ईसाई जैन पारसी के भी हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। आपने जय श्री राम का नारा लगाया तो आपको वाहे गुरु का नारा भी लगाना चाहिए था, और नारा तकबीर अल्लाह पर भी कहना चाहिए।